चलिए भाइयों, मैं माई शक्ति, आप सज्जन चिंतन का हमारा क्रमांक है 270, यानी ऑलमोस्ट 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं। आज हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर ममता सक्सेना जी, जो कि एक्स डायरेक्टर जनरल इन दी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की हैं। आपका विषय है आपका यज्ञ में मंत्र शक्ति का महत्व। इससे पूर्व भी आपने 5-4 एपिसोड लिए हुए हैं। हम आदरणीय नैब साहब से, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है कानपुर से, हम उनसे निवेदन करते हैं कि दो शब्द आदरणीय ममता सक्सेना जी के शब्द है। आदरणीय नैब साहब, बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद शर्मा जी। ये आपकी निष्ठा और आपका प्रेम, और अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपका पागलपन ही है कि ये जूम मीटिंग हम लोग की इस अध्यात्म चिंतन पे आज 9 महीने हो गए। लगातार हम लोग बिना किसी व्यवधान के लगातार इस तरह से हम लोग चिंतन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं और एक दूसरे के संपर्क में आके कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। और इसी में जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया आदरणीय ममता सक्सेना जी ने, जो कि भूतपूर्व महाप्रबंधक रही हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में, उन्होंने जो पहले 3 सोपान लिए थे उसमें उन्होंने बताया था कि आज के समय में यज्ञ का महत्व और यज्ञ का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन। और मुझे अच्छी तरह से याद है जो पहला इनका एपिसोड इन्होंने लिया था, सेशन लिया था, उसमें यज्ञ के बारे में जो जो बताती हैं, इनके अपने अध्ययन हैं उस पे ऊपर किए हुए बड़े तर्क के साथ प्रयोग हैं, प्रयोग के रिजल्ट हैं, रिजल्ट के बाद अपनी बात को परसेंटेज वाइज जिस तरीके ये इस पे परसेंटेज कम हुआ, इस तरह से पॉल्यूशन कम हुआ, वातावरण में इस तरह की वाइब्रेशंस आई, पूरे प्रमाण के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया। और उसका ये प्रभाव था कि उस वक्त अशोक नेमा साहब भी थे और अरविंद शर्मा साहब ने मिलकर हम सब लोगों को एक छोटी यज्ञ की किट भिजवाई थी जो कि 30 दिन या 31 दिन तक चलनी थी। तो वो किट हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हम लोग लगातार नहीं करते। जब जैसे कोई दिन त्योहार होता है या कोई महीने का खास दिन होता है, उस दिन हम लोग उस वाली छोटी सी किट से यज्ञ घर में करते हैं, कोशिश करते हैं भगवान का स्वरूप हमारे घर में भी रहे। ये उस इनके पहले सेशन का प्रभाव था। उसके बाद 2 सेशन और उन्होंने उसी सब्जेक्ट पे लिए। चौथा तो जो था इनका सेशन वो 176 था, जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और स्वास्थ्य की समस्या का उन्होंने समाधान लिया। आज का जो उनका सेशन है, आज का जो सोपान है, जो पहले 3 सेशन से उससे आगे बढ़कर है। पहले 3 सेशन में उन्होंने कहा था कि यज्ञ का महत्व और यज्ञ का स्वास्थ्य और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव पर वैज्ञानिक अध्ययन। आज जो ले रहे हैं, यज्ञ में जो मंत्र शक्ति का उच्चारण किया जाता है उसका क्या महत्व है, इंपॉर्टेंस ऑफ मंत्र पावर इन यज्ञ। यज्ञ का तो एक बहुत पॉजिटिव रोल है हम लोग की लाइफ में, हमारे वातावरण में, हमारे चारों तरफ के वातावरण में, लेकिन उसको और कैसे इग्नाइट किया जा सकता है, और कैसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को और एक्टिवेट करने के लिए चीजों को जोड़ा जाता है, तो अगर हम उसमें मंत्र की शक्ति भी डाल दें तो उस यज्ञ की शक्ति का कितनी ज्यादा प्रभावी होगी, उसके विषय में आज आदरणीय ममता सक्सेना जी अपना उद्बोधन करेंगी। हम उनका बहुत आदर्श के साथ उनका स्वागत करते हैं और आज हमें जो ज्ञान देने जा रही हैं उसका हम प्यारे जीवन पे जरूर बहुत प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय ममता सक्सेना जी, सभी को मेरा प्रणाम। आज आपने जैसा बताया कि आज का विषय है हमारा यज्ञ में मंत्र शक्ति का क्या महत्व होता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे मेरे से हर बार लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई यज्ञ में मंत्र का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो मैंने सोचा कि आज हर बार मैं प्रैक्टिकल्स ज्यादा बताती थी, इस बार मैं थोड़ा यज्ञ के पीछे का जो विज्ञान है, थ्योरी उसकी है, उस पर मैं चर्चा करती हूँ। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, यज्ञ भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख आधार है। प्राचीन काल में तो लोग, जितने भी लोग थे, उनकी दिनचर्या ही यज्ञ से शुरू होती थी। राजा से लेकर प्रजा तक सभी इसमें अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको करते थे और सुखी एवं समृद्ध रहते थे। आज तो भौतिकवादी युग है और विज्ञान का युग है, तो जिनकी यज्ञ में आस्था नहीं है वो यज्ञ की उपयोगिता और प्रामाणिकता पर प्रश्न उठाते हैं। तो ये आज हमारे लिए जानना अति आवश्यक हो गया है कि यज्ञ क्या है और इसमें क्या शक्तियां काम करती हैं, इसका विज्ञान क्या है। तो आज उसी पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे।
वेदों में यज्ञ की अपार महिमा बताई गई है, यज्ञ को रोग निवारक, आरोग्य वर्धक, बल वर्धक, वायु को शुद्ध करने वाला, शत्रु पे विजय प्राप्त कराने वाला और सभी कामनाओं को पूरा करने वाला इत्यादि बताया गया है। तो यज्ञ में इतना सामर्थ्य कहाँ से आया, ये एक विषय है जिस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो मैं आज का प्रेजेंटेशन अपना यज्ञ में जो मंत्र शक्ति है उसका क्या महत्व होता है इस पे प्रारंभ करूंगी। तो लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि यज्ञ के ऊपर वैज्ञानिक काम को करने की जो प्रेरणा थी वो मुझे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से मिली थी, जो कि एक दूरदर्शी आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे, एक संत और सुधारक थे, युग ऋषि थे। उन्होंने स्वयं तो अपना ऋषियों जैसा जीवन जिया ही और काफी हम सभी को, पूरा गायत्री परिवार को जो उन्होंने खड़ा किया उसको भी उसी जीवन को जीने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयं 24 वर्षों तक कठोर तप किया और कई बार हिमालय यात्रा की और आध्यात्मिक श्रेष्ठता को प्राप्त किया। तो गुरुदेव ने वेदों में यज्ञ के ऊपर शोध किया और उससे संबंधित जो भी उन्होंने लिखा था उसका संकलन करके दो वांग्मय तैयार हुए हैं, जो वांग्मय नंबर 25 है यज्ञ का ज्ञान विज्ञान और वांग्मय नंबर 26 है यज्ञ एक समग्र उपचार प्रक्रिया। तो मेरा जो आज का ये लेक्चर है थ्योरेटिकल वो ऑलमोस्ट इसी पे ही बेस्ड है, इन्हीं दोनों वांग्मय के ऊपर है। तो चलिए देखते हैं कि यज्ञ के क्या आधार हैं। यज्ञ में तो आप देखते हैं कि क्या चीजें होती हैं। यज्ञ में एक मंत्र बोलने वाला होता है वक्ता, जो मंत्र बोलता है यज्ञ करता है। दूसरा उसमें अग्नि होती है। तीसरा हम उसमें कुछ आहुतियों के साथ हवन सामग्री और कुछ चीजें होम करते हैं और चौथा मंत्र, जो उसमें मंत्र बोले जाते हैं। तो ये यज्ञ के मुख्यतः चार आधार हैं। जैसा कि बताया कि यज्ञ में प्रयोग होने वाले मंत्र या शब्द सामर्थ्य एक आधार है। दूसरा है यज्ञ में प्रयोग करने होने वाली अग्नि, वो अग्नि कैसी है, कहाँ से आई है, उसको हमने कैसे प्रज्वलित किया, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तीसरा है उसमें जो हवन सामग्री प्रयोग की जाती है और उसके साथ जो अन्य सामग्री हम प्रयोग करते हैं पूर्णाहुति में, घी में, ये कैसी हैं। और चौथा है जो प्रयोग करता है, जो भी हवन करता है उसका व्यक्तित्व और उसकी भावना। तो मुख्यतः आज हम पहला वाला जो आधार है इसके ऊपर बात करेंगे। तो यज्ञ में मंत्रों का जो महत्व है वो क्या होता है, गुरुदेव ने लिखा है वांग्मय नंबर 26 में कि यज्ञ में मंत्र विज्ञान की अपनी एक विशिष्ट भूमिका होती है। ये पूरा एक विज्ञान है और इसमें जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जितना भी महत्व यज्ञ करी जाने वाली औषधियों का होता है, उसमें यज्ञ करवाने का अध्वर्य जो है उसका होता है, जो याजक गण है और कर्मकांड उसमें जो की जाते हैं उनका जो महत्व है, उससे कहीं अधिक जो उसमें हम मंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो मंत्र हम गाते हैं उनका होता है। और ये पूरा विज्ञान है। इस विज्ञान के पीछे क्या है, जो शब्द शक्ति है, जो जिसको हम साउंड एनर्जी कहते हैं, वो विज्ञान है। साउंड एनर्जी बहुत ही पावरफुल एनर्जी है और प्राचीन समय तो इस ऊर्जा का ही मुख्यतः प्रयोग होता था। लोग मंत्रों का प्रयोग करके सब चीजों का संचालन करते थे, वो चाहे आपके विमान रहते हो, चाहे अस्त्र आयुध होते हो, मिसाइल्स चलानी होती थी, सब मंत्रों के ही द्वारा उस समय ये सब चीजें अकम्प्लिश की जाती थी। इवन साउंड बॉम्ब्स उस समय यूज होते थे। तो जो यज्ञ है इसमें जो हम मंत्र पढ़ते हैं उसी से यज्ञों का जो सामर्थ्य है वो उत्पन्न होता है साउंड एनर्जी से। तो इसलिए मंत्रों को यज्ञ की
यदि हम आत्मा भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है जी। तो थोड़ा सा इसमें हम जब विज्ञान की बात करते हैं तो जो साउंड एनर्जी है, ध्वनि है, इसके पीछे क्या विज्ञान होता है इसको हम समझ लेंगे, फिर इसका हम आगे बताएंगे कि क्यों हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये हमें पता है कि जब हम कोई दो चीजें आपस में टकराती हैं तो एक कंपन होता है, उस कंपन से ही ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये हम लोग जब जिन्होंने साइंस का प्रयोग किया है वो ये जानते हैं कि जो टोंग होता है उसको ही ऐसे हम मारते हैं और उसके बाद उसके वाइब्रेशन से जो एक आवाज झनझनाहट आती है वो सुनते हैं और उसको मेजर करते हैं। और ये ध्वनि जो होती है ये किस रूप में चलती है, ये तरंगों के रूप में होती है और इसको चलने के लिए वायु का माध्यम चाहिए होता है। ये बिना वायु के ये नहीं प्रसारित होती है, वैक्यूम में इसका कोई प्रसारण नहीं होता है। और इसकी जो इसका जो वेग है वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये जो साउंड एनर्जी है इसको हम प्रकाश में भी परिवर्तित कर सकते हैं और विद्युत में भी परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एनर्जी थी जिसका प्रयोग हमारे ऋषियों ने यज्ञ में इसका प्रयोग करके, यज्ञ की जो ऊर्जा थी उसमें ताप था और प्रकाश था और ध्वनि मंत्रों की ध्वनि जो थी उसका जो सामर्थ्य था वो लोकलाइज न रह के कैसे हम उसको बढ़ा करके और बहुत दूर तक उसका हम परिणाम ले सके, इसका उन्होंने विज्ञान डेवलप किया था जिसको हम आज यज्ञ कहते हैं। तो जो ध्वनि मनुष्य के मुंह से निकलती है, जो हम बोलते हैं उसको हम वाणी या वाक कहते हैं। वाक हम उस शक्ति को कहते हैं जो हमारे अंतरंग के जो विचार हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे ज्ञान को और जो हमारी इच्छा शक्ति को अभिव्यक्त करती है उसका माध्यम बनती है, वो हमारी वाक शक्ति होती है। वाक शक्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शक्ति की तरह ही एक सामने वाले के ऊपर असर करती है। आप अच्छा बोलते हैं तो अगले के ऊपर अच्छा असर पड़ता है, आप किसी के लिए बुरा बोलते हैं, किसी के साथ कटु वचन बोलते हैं उसके ऊपर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये एक शक्ति होती है, जो शब्दों की शक्ति होती है वो हम उसको पहचानते नहीं हैं और हम दिन भर बहुत कुछ बोला करते हैं, बहुत कुछ इररिलेवेंट सी चीजों को बोल करके अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं। ये जो एक शक्ति है वाक शक्ति, इसको हम कैसे और प्रभावशाली बना सकते हैं, जब हम तप करते हैं तप के द्वारा इसको हम अपनी शक्ति को अत्यंत प्रभावशाली बनाते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म गति मिल जाती है और ये अंतर्दर्शन या तप से अत्यंत प्रभावशाली आती है। हमारी वाक में एक प्रभाव आता है, श्राप देने की क्षमता, आशीर्वाद देने की क्षमता बढ़ती है। तो जो हमारे गुरु हुए हैं, गुरु जी और माता जी का तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब वो लोग सिर्फ यही कह देते थे जाओ सब ठीक हो जाएगा, सुनने में तो बड़ा साधारण लगता था लेकिन वाकई आप सभी का मेरे ख्याल से जो उनसे मिले हैं या जिनका थोड़ा भी संपर्क किसी भी आया तो आपको पता लगता होगा कि हाँ उन्होंने अगर ये कह दिया तो वो वाकई सब चीज ठीक हो जाती थी। तो ये वाक शक्ति का ही प्रभाव था। इस शक्ति को हम जिस भी भावना से, जिस भी उद्देश्य से हम अगर अपना अंतर्दर्शन या हम अपना तप करते हैं, ये शक्ति उसी अनुरूप में ही ये बढ़ती और हमें प्राप्त होती है। तो ये शक्ति का ही जो विज्ञान है हमने मंत्रों में उसको प्रयोग किया है। तो मंत्र क्या है? मंत्र जो है वो कुछ विशिष्ट अक्षरों के एक निश्चित समूह को कहते हैं जिनको एक लय में उच्चारित करने पर, एक क्रम में उच्चारित करने पर हमें एक विशिष्ट ऊर्जा मिलती है और इसका एक गहन विज्ञान है। तो ये जो मंत्र है जब हम उसको जपते हैं, तप करते हैं और मंत्रों को बार बार हम जपते हैं, कोई भी एक मंत्र लेके अगर हम बार बार जपते हैं पूरे ध्यान के साथ, तो ये हमें अंदर से हमारे अंतःकरण को पवित्र बनाता जाता है और हमें पावन करता है। पावन अंतःकरण से जब हम मंत्र जप और करते हैं तो हमें पुष्टि प्राप्त होती है, स्वास्थ्य प्राप्त होता है और क्या होता है, हमारा
जो विवेक है वो जागृत होता, हमारी बुद्धि जो है वो प्रज्ञावान बन जाती है। ये सबसे बड़ा आज का अगर आप कहेंगे कि लाभ या वरदान कहिए, वो प्रज्ञा की बुद्धि है। आज हमें बुद्धि की ही जरूरत है, सद्बुद्धि की, जो प्रज्ञा की लेवल पे चली जाए, तो ये वाकई ये पूरा विश्व जो है ना स्वर्ग बन जाएगा। तो ये वाक जो शक्ति है, ये हमें तब से हम इसको और प्रखर और पवित्र करते हैं। ये वाक के बहुत सारे रूप होते हैं, ये शक्ति जैसे जैसे हमारे अंदर जागृत होती है तो ये उसके बहुत रूप होते हैं। ये हृदय स्पर्शी होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि उसकी बात किसी मेरे मन को छू गई, किसी ने कुछ कहा और आपके अंतर मन को वो चीज छू गई, तो वो हृदय को स्पर्शी वाक कहते हैं। ये आपको किसी किसी की बातें स्पर्श का भी अनुभव दे जाती है, जैसे कोई बहुत दुखी है, बहुत संतप्त है और आपने उसके साथ सहानुभूति के दो प्यार के शब्द बोल दिए, उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने बड़ा शीतल एक स्पर्श का अनुभव उसको होता है। फिर ये रूप का भी अनुभव देती है, जो लोग अक्सर साधना करते हैं, जप करते हैं, उनको जो भी देवता का वो जो भी उनके इष्ट हैं उनके रूप का दर्शन होता है। आपने सुना होगा कि कोई हनुमान जी की साधना कर रहा था, उसको हनुमान जी ने दर्शन दे दिए, रामकृष्ण परमहंस को काली जी ने दर्शन देती थी। तो ये रूप दर्शन जो होता है, ये मंत्रों के द्वारा ही जो हमारी वाक है वो हमें उसके साथ सिद्ध कराती जाती, वाक सिद्ध होती और हमें रूप का दर्शन होता है। और रूप के दर्शन कई तरीके से होते हैं, कभी साक्षात दिखती है प्रतिमा, कभी आपको एक रस का अनुभव होता है, कभी एक गंध का अनुभव हो जाता है, वो ये सब रूप दर्शन के ही विभिन्न रूप हैं। तो इस तरह से जो एक ही वाक है, ये इसके कई रूप हैं, बहुरूपणी है और ये अत्यंत प्रभावशाली होती है। तो कहते हैं कि इसी वाक के वश में सारे देवता रहते हैं, ये आपने भी सुना होगा। तो ये देवता क्या है? आज हम विज्ञान की बात करें तो हम इसमें देवता की बात क्यों कर रहे हैं? वास्तव में देवता कोई चार हाथ वाले पुरुष या मनुष्य नहीं है। देवता क्या है? देवता ब्रह्म जो शक्ति है उसकी विशिष्ट शक्ति धाराओं को हम कहते हैं, जो कि चेतना में होती है, उनके अंदर चैतन्य कॉन्शियसनेस होती है। ये शक्ति धाराएं जैसे कि किसी को अपनी जरूरत जिस भी प्रकार की होती है, वो उसी शक्ति के साथ अपना ध्यान लगाता है, उसी के साथ उसके मंत्रों का वो जाप करता है और इससे उसका उस शक्ति के साथ संपर्क बनता है। जब संपर्क हो जाता है और फिर उसी मंत्र को वो जपता रहता है, तो वो मंत्र जो है उसकी उस शक्ति के साथ जुड़ करके और अपने अनुकूल वो शक्ति को अंदर खींचता है। ये एक विज्ञान है। तो जब किसी को ज्ञान चाहिए होता तो सरस्वती जो देवी है उनकी आराधना करता है, उनके मंत्रों का जाप करता है और दिन पर दिन उनका ज्ञान उनकी बुद्धि बढ़ती जाती है। किसी को धन का चाहिए तो लक्ष्मी जी की वो उपासना करते हैं, लक्ष्मी जी का मंत्र जपते हैं। इसी तरह से किसी को सद्बुद्धि चाहिए तो गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। तो ये पूरा एक विज्ञान है। देवता की जो हम एक आकृति बनाते हैं वो सिर्फ एक पूरा अलंकारिक उनका चित्रण होता है, ताकि हमें एक स्थूल रूप पे ध्यान लगाने में आसानी हो। अन्यथा ये सब शक्ति धाराएं हैं और जो शक्ति धाराएं बाहर है, इन सबका केंद्र हमारे अंदर भी है। तो जब हम ध्यान करते हैं देवता का, उस शक्ति के साथ हमारा जो संपर्क बनता है वो एक चैनल बन जाता है, जो बाहर से हमारे अंदर वो शक्ति का प्रवाह प्रारंभ कर देता है और इसी शक्ति के द्वारा हमारी अपनी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो चूंकि मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, तो गायत्री मंत्र के साथ जो हवन किया जाता है, जो यज्ञ किया जाता है, वो भी बहुत शक्तिशाली होता है और इनके द्वारा सारी कामनाएं पूरी की जा सकती हैं। इसीलिए गायत्री मंत्र और यज्ञ को कामधेनु कहा गया है। ये विज्ञान है और इसी विज्ञान को हम आज समझ रहे हैं। तो मंत्रों का जो सामर्थ्य है, मंत्रों की जो पावर है, ये
क्या है, मंत्र कैसे प्रभावित करता है। ये मंत्र हमने बताया ना कि जो भी हमारे अंदर है, हमारी व्यष्टि मतलब हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर हमारे पिंड को प्रभावित करता है, और वो जैसे हमारे अंदर वाले ब्रह्मांड को प्रभावित करता है, व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, वैसे ही वो हमारे बाहर जो एक दुनिया है, बाहर जो समष्टि है जिसको कहते हैं विश्व है, उसको भी वो उसी प्रकार से प्रभावित करता है। तो मंत्रों के द्वारा ही हम देख सकते हैं कि इनका प्रभाव जो हमारे अंदर आ रहा है वही वो बाहर भी जा रहा, तो पूरे विश्व की शांति अथवा अशांति मंत्रों से पैदा की जा सकती है। और आप इसीलिए देखिए कि जगह जगह पे हम लोग साथ बैठ के ग्रुप में मंत्र का जप रखते हैं, प्रार्थनाएं रखते हैं, इसकी बहुत ज्यादा पावर होती है। ये पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैल जाती हैं, जो हमारी सिंक्रोनाइज्ड प्रेयर्स हैं, मंत्रों की जो शक्ति है वो एक साथ इतने सारे लोगों की जब फैलती है तो वो बहुत प्रभावशाली होती है, बहुत सक्षम हो जाती है, और जिस भी चीज के लिए हमने प्रार्थना की है वो उसको पूरा करने में सक्षम होती है। तो जब हम आज आप देखेंगे कि बहुत सारे समूह हैं, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग हो, चाहे वो आर्य समाज हो, गायत्री परिवार हो, बहुत सारे समूह हैं जो सब विश्व की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। गायत्री परिवार में तो रोज ही हम आहुतियां देते हैं विश्व का कल्याण हो, तो ये जितनी भी आहुतियां दे रहे हैं आप ये यकीन मानिए कि ये सारी आहुतियां जो है कार्य कर रही हैं। और आप देखिए इसका एक प्रमाण सबसे बड़ा ये है कि दूसरा विश्व युद्ध जो खत्म हुआ था 45 में, उसके बाद से आज तक कोई तीसरा विश्व युद्ध की हम सोचते रहे कि होगा होगा, बट आज तक उसकी परिस्थितियां बनते बनते और ये खत्म हो जाती हैं। तो ये प्रार्थनाओं का ही कमाल है, और हम धीरे धीरे आज उस समय में बढ़ रहे हैं जब हमारी धीरे धीरे मानवीय गुणों का विकास हो रहा है, संवेदनाएं जग रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने यही लिखा है कि सत्युग क्या है, सत्युग कोई समय थोड़ी बदलता है, बाहर दुनिया नहीं बदलेगी, लोगों से ही बदलेगा, लोग बदलेंगे, लोगों के अंदर करुणा जगेगी, कंपैशन जगेगा, लोगों के अंदर भावनाएं जगेंगी, एक दूसरे के प्रति संवेदनाएं जगेंगी, तो ये सत्युग पैदा करेगा। तो ये सारा मंत्र शक्ति जो है इसका प्रभाव है कि जो मंत्र जप होता है वो कितना प्रभावशाली है। जो ज्ञानी होते हैं, जो मंत्रों के प्रयोक्ता होते हैं, जिनका सामर्थ्य है, वो जब जपते हैं तो उनका प्रभाव दूसरों पे पॉजिटिव होता है, वो सकारात्मक उनमें संवेग उत्पन्न करता है लोगों में। इसी के कंट्रास्ट में अगर हम किसी अज्ञानी को देखें जो सिर्फ मंत्र रटे जा रहा है जल्दी जल्दी, उसको तोते के इतना उसको नहीं ज्ञान है, तो वो दूसरों पे उद्वेग भी पैदा कर सकता है। तो इसलिए इसका प्रभाव दोनों तरीके से पड़ सकता है। और जैसा मैंने बताया था कि मंत्रों में जो कुछ अक्षर होते हैं उनका क्रम, एक निश्चित क्रम में जब हम उनको बोलते हैं तो ही वो मंत्र बनते हैं, उनका ये क्रम बहुत मायने रखता है। अगर हम अशुद्ध मंत्र बोलेंगे, क्रम तोड़ देंगे, कुछ अक्षर साफ नहीं बोलेंगे, तो मंत्रों का जो प्रभाव पड़ना वो उस तरीके से वो प्रभाव नहीं आएगा। और जहां तक मंत्रों के अर्थ की बात है, तो मंत्रों में कभी अर्थ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये था मंत्रों का सामर्थ्य। अब चलिए हम जानते हैं कि मंत्रों में जो शक्ति होती है, हम कहते हैं मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, मंत्रों से आप क्या नहीं कर सकते हैं, तो ये शक्ति कहाँ से आती है। मंत्रों में गुरुदेव ने लिखा है कि यज्ञों में जो शक्ति आती है उसका प्रमुख आधार तो मंत्र शक्ति ही है, और मंत्रों में चार प्रकार की शक्तियां होती हैं। कैसी शक्ति होती है? पहली शक्ति होती है प्रमाण शक्ति, दूसरी होती है फल प्रदान शक्ति, तीसरी होती है बहुलीकरण शक्ति, और चौथी होती है आयात यामता की शक्ति। तो प्रमाण शक्ति क्या है? प्रमाण शक्ति जो है महर्षि जैमिनी की पूर्व मीमांसा के अनुसार मंत्रों में जो भी शिक्षा होती है या जो भी उसमें प्रार्थना की जाती है या कोई आदेश अगर दिया जाता है तो वही उसकी प्रमाण शक्ति होती है।
जैसे कि गायत्री मंत्र में हमने प्रार्थना की है कि हमें हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ आप प्रेरित करें, सद्बुद्धि का ये प्रार्थना है। तो ये सन्मार्ग का एक प्रमाण शक्ति है कि गायत्री मंत्र करने से आपको सद्बुद्धि मिलेगी। इसी प्रकार से महामृत्युंजय मंत्र जब हम जपते हैं तो क्या होता है, महामृत्युंजय मंत्र जो है वो सबके लिए अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना है, और ये प्रार्थना भी इसका एक प्रमाण शक्ति बनता है। लंबी आयु के लिए, निरोग जीवन के लिए आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए, तो ये अवश्य जो आपको शक्ति देगा निरोग होने की। तो ये तो प्रमाण शक्ति थी। दूसरी शक्ति क्या है, फल प्रदान शक्ति है। फल जब हम कोई कामना से करते हैं, कोई भी यज्ञ या कोई भी मंत्र जाप हम किसी कामना से करते हैं, कोई बीमार है आपने सुना होगा कि उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा रहे हैं, फला फला इतने हजार मंत्रों का, इतने लाख मंत्रों का जाप बैठाया हुआ है, तो ये मंत्रों की फल प्रदान शक्ति होती है जो मंत्र जपने से हमको मिलती है। यज्ञ में जब हम मंत्रों के साथ आहुति देते हैं तो क्या होता है कि विपुल जो ब्रह्मांडी शक्तियां हैं ऊपर वो अंतरिक्ष से खिंच करके और नीचे हवन जहां पे हम कर रहे होते हैं वहां पे आती हैं। ये एक प्राण शक्ति होती है जिनको हम पर्जन्य वर्षा कहते हैं। ये पर्जन्य वर्षा और कुछ नहीं है, प्राण वर्षा होती है, और ये लिटरली वाकई प्राण शक्ति बहुत आती है, बढ़ती है, ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स में करके देखा है। तो जब हम सकाम यज्ञ करते हैं तो इसीलिए उनको बड़े विधि विधान से करने की आवश्यकता होती है, और उसमें विशिष्ट मंत्रों का ही प्रयोग हम करते हैं ताकि उनका वो उचित फल जो है वो हमको मिले। किसी के जैसे पुत्र नहीं होता है तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया जाता है, तो पुत्रेष्टि यज्ञ में विशिष्ट मंत्रों का प्रयोग होता है जिससे जो भी कठिनाइयां हैं पुत्र होने में वो दूर हो जाती हैं और पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। तो इस शक्ति के द्वारा विष निवारण, रोग निवारण, शत्रु नाश, श्रीलाभ, दिव्य शस्त्रास्त्र, संतान लाभ आदि नाना प्रकार की कामनाओं की पूर्ति संभव है। तो तीसरी शक्ति क्या है यज्ञ की, मंत्रों की, वो है बहुलीकरण शक्ति। बहुलीकरण जैसा कि नाम से आपको लगता है, हम इसमें थोड़े से पदार्थों को मंत्र के साथ हम डालते हैं और डालने के बाद वो छोटे छोटे उसमें कणों में टूट करके विभक्त होकर और बहुत मात्रा में टूट जाते हैं। तो एक तो उसमें पदार्थ का बहुलीकरण हो जाता है, और ये जब हम स्वाहा करके डालते हैं तो विस्फोटक प्रक्रिया के द्वारा ये अति सूक्ष्म कणों में टूट करके गर्म वायु के द्वारा ये दूर दूर तक फैल जाता है। और दूसरा क्या होता है, उसमें मंत्र के साथ जब हम उसमें डालते हैं तो उसके अंदर की कारण सत्ता, हर पदार्थ के अंदर एक सूक्ष्म सत्ता होती है जो कि उसकी कारण सत्ता होती है, और जब हम मंत्र के साथ उसमें आहुतियां डालते हैं तो वो सत्ता उभर के आ जाती है। तो ये तीसरी शक्ति थी जो बहुलीकरण की शक्ति थी कि आपने स्थूल पदार्थ थोड़ा सा होमा और वो सूक्ष्म होके बहुत दूर तक अनेक लोगों को उसने लाभान्वित कर दिया। और चौथी जो शक्ति होती है उसको हम कहते हैं आयात यामता शक्ति, यानी कि सोखने की शक्ति। जो हम मंत्र पढ़ते हैं जब भी, ये एक शक्ति होती है, और ये शक्ति जब किसी विशेष व्यक्ति के द्वारा किसी विशेष स्थान पर विशेष उपकरणों से पैदा की जाती है तो ये इसका बहुत ज्यादा ये प्रभावशाली शक्ति होती है। और ये जहां पे भी हम पूजा करते हैं या यज्ञ करते हैं उस स्थान पे ये एनर्जी जो है ना ये सोख ली जाती है, तो वो स्थान जो है वो पवित्र क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूजा के क्षेत्र में हम नंगे पैर जाते हैं, हम जूते पहन के नहीं जाते, क्योंकि वो एक पवित्र क्षेत्र बन जाता है। वहां पे मंत्रों का जाप हुआ होता है, वहां पे यज्ञ करते हैं मंत्रों के साथ, तो वो सारी जो शक्तियां, पॉजिटिव एनर्जी, जो प्राण शक्ति, कॉन्शियसनेस एनर्जी जो आती है वो उसी स्थान पर वो एब्सॉर्ब हो जाती है। और आप इसीलिए देखेंगे कि जहां पर पहले बड़े बड़े यज्ञ हुए हैं वो स्थान आज भी पवित्र क्षेत्र माने जाते हैं, वहां आज भी लोग तीर्थ करने जाते हैं और वहां का लाभ लेके आते हैं,
उन स्थानों पे जाके सिर्फ बैठने मात्र से ही आपके अंदर वो एनर्जी का इफेक्ट आने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज की जहाँ पे स्थापना की थी, ये स्थान वही था जहाँ पे पहले विश्वामित्र जी ने अपना तप स्थली बनाई हुई थी। गुरुदेव ने अपनी सूक्ष्म शक्तियों से उस स्थान की जब वैल्यू समझ के उन्होंने फिर वही जमीन लेकर के वहीं पे शांति कुंज की स्थापना की कि जहाँ पे इतने पहले से गायत्री मंत्रों का जाप हो चुका है वही स्थान बहुत जल्दी जागृत हो गया। और आज देखिए शांति कुंज वाकई एक जागृत तीर्थ है। जो पुराने तीर्थ है उनमें से बहुत सारे तो सिर्फ अब दर्शनीय स्थल बन के रह गए टूरिज्म के लिए, उतनी वहां पे आपको एनर्जी नहीं महसूस होती है। परंतु शांति कुंज के लिए आप अगर वहाँ हरिद्वार के क्षेत्र में प्रवेश ही करते हैं आपको एक अंदर से खिंचाव महसूस होने लगता है, उल्लास महसूस होने लगता है। वो एनर्जी है, वो एनर्जी है। जैसे जैसे आप शांति कुंज के अंदर पहुंचते हैं आपके अंदर वो एनर्जी जो है आपके अंतर मन में वो अवशोषित होने लगती है, इसलिए वहां जाके अच्छा लगता है। दूसरा क्या है कि जो हम पूजा में उपकरण का प्रयोग करते हैं, जो पात्र हम पूजा में यूज करते हैं, माला यूज करते हैं, ये सब चीजें भी उस एनर्जी को अपने अंदर धारण कर लेती हैं, तो ये उस तत्व से पूर्ण हो जाती है। और इसीलिए आप कहते हैं कि जो पूजा में हम पात्र प्रयोग करते हैं उनका हम कहीं और अन्यत्र प्रयोग ना करें। और इसके साथ ही जो हम जैसे श्राद्ध करवाते हैं किसी का, तर्पण कराते, तो उसमें जो हम पात्र प्रयोग करते हैं उनको हम फिर और किसी अच्छे कार्य के लिए यूज नहीं करते, उनको हम विसर्जित कर देते हैं। तो ये इसलिए करते हैं क्योंकि आयात यामता जो शक्ति है उन पात्रों में समाहित हो जाती है। आज इन सब चीजों की हमारे लिए ये जानने की आवश्यकता बहुत है कि कभी कभी पूजा में लोग घर के ही बर्तनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिनमें हम खाना खा रहे होते हैं उन्हीं को हम इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये उन शक्तियों के लिए फिर ये जो आपका वांछित परिणाम है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए पूजा के बर्तन हमेशा अलग रखिए और उनमें कभी भी खाना पीना मत खाइए, उनको कभी भी आप गंदे स्थान पर मत रखिए, पवित्र मान के उनको पवित्र स्थानों पर ही रखिए। तो ये चार शक्तियां हैं मंत्रों की, जो मंत्रों के द्वारा आती हैं और उसकी वजह से ही जो यज्ञ में सामर्थ्य है वो पैदा होता है। तो अब जो लोग ये मंत्र जपते हैं जिनको हम मांत्रिक कहते हैं, उनके क्या नियम, उनके लिए भी कुछ नियम होने चाहिए। तो क्या है कि जो मांत्रिक हैं, जो मंत्रों का जप करते हैं, उनके लिए जो मंत्र की शक्ति को समझना, उसके रहस्य का साक्षात्कार करना और विशेष साधना करके उसे सिद्ध करना ही उद्देश्य होता है। वो एक ही मंत्र लेके, पहले जो ऋषि थे वो एक ही मंत्र लेते थे, कभी कभी उस मंत्र का भी एक भाग ही लेते थे और उसी को सिद्ध करते थे, बार 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 जप करके उसके रहस्य को समझते थे, अपने ऊपर अपनी जीवन को वो प्रयोगशाला बनाते थे अपने शरीर को, और उसके ऊपर वो उसका इफेक्ट देखते थे, उसी से वो उस मंत्र की शक्ति समझते थे और इसी मंत्र की शक्ति के आधार पर फिर उन्होंने ये वेदों में उसके विषय में लिखा है कि कौन से मंत्र से क्या आपको फल मिल सकता है, क्या चीजें आप उस किस मंत्र से क्या चीजें सिद्ध होती हैं, ये वो करते थे। तो जो भी मांत्रिक हैं, ऐसे तो कोई भी मंत्र पढ़ लेता है परंतु उसको वो फल नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जो मांत्रिक है उसके लिए बहुत आवश्यक है कि वो इंद्रिय निग्रही हो, यानी उसको अपने इंद्रियों के ऊपर पूरा संयम हो, पूरा कमांड हो। अगर उसको इंद्रिय निग्रही नहीं है तो उसकी विषय वासना में उसका मन भटकेगा और उसके मंत्रों में वो प्रभाव आएगा नहीं, उसकी वाक शक्ति प्रभावशाली नहीं बन पाएगी। तो इसलिए उनको थोड़ा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इंद्रिय निग्रही होना आवश्यक है, उन्हें निष्ठापूर्वक अपने मंत्र भाग का प्रतिदिन पाठ करना आवश्यक है। ये नहीं कि आज कर लिया, दो दिन नहीं किया, मतलब आपको रेगुलरली करना है ताकि आपके अंदर एक रिदम तैयार हो जाए, बायो रिदम, मंत्रों के साथ आप रेजोनेट करें। इसके लिए उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है और सात्विक और अनुशासनपूर्ण दिनचर्या का पालन करना भी उनके लिए बहुत आवश्यक होता है। खाने में उनके अंदर सात्विक विचार, उनके सात्विक होने चाहिए, उनकी दिनचर्या पूरी अनुशासनपूर्ण होनी चाहिए,
तब ये उनके अंदर जो मंत्रों की सिद्ध करने की जो क्षमता है वो आती है, उनके मंत्रों में वो प्रभाव आता है, उनकी वाक शक्ति में वो प्रभाव आता है कि वो मंत्रों के साथ जो जाप करें तो उनको वांछित परिणाम मिलता है। तो अब हम लोग यज्ञ में आते हैं कि यज्ञ में हम क्या करते हैं, मंत्र की शक्ति जो है वो हम क्या करते हैं। तो यज्ञ में जो मंत्र की जो ध्वनि है, जो साउंड है, उसको तथा हम जो अग्नि है, अग्नि में क्या दो एनर्जी है, प्रकाश और ताप, इन दोनों का समन्वय करते हैं और इनके समन्वित शक्ति धाराओं का एक उच्च स्तरीय प्रयोग है ये, जिसे हम यज्ञ कहते हैं। और इसमें जैसा मैंने अभी बताया कि जो भी यजन करता है, जो भी यज्ञ करता है, जो मंत्र बोलता है, उसकी जो भूमिका है वो बहुत विशिष्ट है, उसका व्यक्तित्व बहुत विशिष्ट होना चाहिए, तभी जो उसका उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो यज्ञ में जो साइंस है वो ये है कि जब हम जिस तरीके से कोई लाउडस्पीकर की आवाज है, हम उसको सामान्य आवाज को हम लाउडस्पीकर में के थ्रू, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और बहुत दूर तक एरिया तक उसको हम फैला पाते हैं, एक बहुत व्यापक क्षेत्र तक हम उसको ले जाते हैं, ताकि खाली सामने के मनुष्य नहीं, बहुत दूर दूर के मनुष्य जो है ना उसको वो सुन पाए। तो इसी प्रकार से जो यज्ञ अग्नि है वो एक प्रकार से विद्युत उत्पादक केंद्र की तरह काम करता है, जहां पे जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी भी हम क्या करते हैं, उसको हम स्टेप अप करते हैं हाई वोल्टेज पे, और हम उसको दूर तक प्रसारित कर देते हैं, जहां भी उसको भेजना है वो चली जाती है, और फिर स्टेप डाउन करके उसका वोल्टेज को हम सब जगह उसको हम भेज सकते हैं। तो यज्ञ की जो अग्नि है वो यही काम करती है, वो जो हमने मंत्र पढ़े, मंत्रों की जो ऊर्जा आई, उस ऊर्जा को वो एम्प्लीफाई करती है और ट्रांसमिट करती है। तो अग्नि की ऊर्जा के साथ मंत्रों की जो निर्धारित ध्वनि है उसका समावेश हो जाने से जो मंत्रों की जो शब्द शक्ति है उसकी क्षमता और उपयोगिता अनेक गुणा बढ़ जाती है। तो मंत्र शक्ति का जो विस्तृतीकरण, मतलब जो उसको जितना हम उसको दूर दूर तक फैला सकते हैं उसका, उसको विस्तृतीकरण करने के लिए हमारे ऋषियों ने ये यज्ञ की विधा जो थी ये खोजी थी, और यज्ञ जो था एम्पलीफायर तथा ट्रांसमीटर वो उन्होंने इसी के थ्रू दोनों का काम किया था। तो आज भी यज्ञ जो है, यज्ञ के द्वारा हम जो भी चीजें उसमें यज्ञ में डालते हैं वो दूर दूर तक एम्पलीफाई हो जाती है, बहुलीकरण से वो फैल जाती हैं, और ट्रांसमीटर मतलब ये हमारी जो भी कामनाएं हैं उस कामना को, जो भी यज्ञ की जो शक्ति, इसको भी ये ट्रांसमिट करती है। कहाँ ट्रांसमिट करती है, जहां आप जिस भी कामना के साथ आपने ये यज्ञ में मंत्र पढ़े हैं उस शक्ति के साथ ये कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करती है, और वहां से ये आपके लिए आपके सकारात्मक ऊर्जा जो उसके लिए चाहिए होती है वो खींच के लेके आती है। तो जो परिष्कृत वाणी से उत्पन्न की गई मंत्र शक्ति होती है उसको यज्ञ के द्वारा हम किसी भी व्यक्ति विशेष अथवा किसी अनेक व्यक्तियों तक हम इसको पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई बीमार है, मान लीजिए अमेरिका में कोई है आपका बेटा और बीमार है, आपने यहाँ से मंत्र से उसके लिए आहुतियां प्रदान की महामृत्युंजय मंत्र की कि मेरा बेटा निरोगी हो जाए, स्वस्थ उसको मिले, आप ये यकीन मानिए कि अगर आपके वाणी में सामर्थ्य है परिष्कृत, आपने इसीलिए कहते हैं ना यज्ञ में करने के पहले आप भोजन ना करें, क्योंकि जो अन्न है वो अन्न थोड़ा हमारे वाणी को भी प्रभावित करता है, वाक शक्ति को प्रभावित करता है, हमारे ध्यान को प्रभावित करता है। तो परिष्कृत वाणी से जो हम मंत्र शक्ति जो उत्पन्न करेंगे वो हम उस व्यक्ति विशेष तक जरूर पहुंचती है, और उसी अनुपात में वो इफेक्टिव होती है। उसके रोग को आप देखेंगे कि मतलब मैं अपनी बता सकती हूँ आपको कि आज तक मैंने जितनी भी आहुतियां डाली हैं, अगर किसी का प्रारब्ध ना हुआ हो तो वो 100% वो सारी आहुतियां जो है ना इफेक्टिव रही हैं।
सूनर और लेटर, कभी जल्दी हो जाता है इफेक्ट, कभी देर में आता है, और कभी कभी यदि उसके लिए वो हितकारी नहीं है तो नहीं भी हुआ है, वो बाद में सब पता चला कि नहीं क्यों नहीं हुआ। लेकिन ये एक मंत्र शक्ति का जो प्रयोग हम करते हैं बिना जाने बिना समझे, ये एक बहुत पावरफुल प्रयोग होता है। तो हम इसको एक मिसाइल की तरह से हम उसको लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं बिना वहां जाने, सिर्फ अपने भावनाओं से अपने विचारों को केंद्रित करके। तो ये जो शब्द हैं जो हम मंत्रों में बोलते हैं अपनी भावना के साथ, अपनी संकल्प शक्ति के साथ यज्ञ में, ये क्या करते हैं, ये अपना काम करके वापस अपने उद्गम स्रोत पे लौट आते हैं। तो शायद इन्हीं को पहले शब्द वेदी बाण कहते थे, लोग साउंड वाले बाण रखते थे जो शब्द सुन के वहां पे जाके मार के वापस आ जाते थे। तो या गाइडेड मिसाइल्स आप कह सकते हैं कि ये जाती हैं आपकी उससे गाइड होके और अपने गंतव्य तक पहुंच के बिल्कुल लक्ष्य पे हिट करके वापस आती है। ये हमें इसकी चूंकि ऊर्जा का, इसकी प्रक्रिया का एक अनुभव नहीं है, इसलिए हम इसकी ज्यादा वैल्यू नहीं समझ पाते हैं और हम एक मैकेनिकल तरीके से इस चीज को प्रयोग करते रहते हैं। तो आज मैं भाई साहब जो यज्ञ है इसके ऊपर मैं ये बताना चाहती हूँ कि यज्ञ की जो ऊर्जा है ये दो तरीके से काम करती है। एक तो स्थूल पार्ट होता है जो हमने उसमें आहुतियां डाली, जो उसमें प्रोडक्ट्स बने, ये हमारे स्थूल हमें भी और हमारे वातावरण पे भी स्थूल प्रभाव लेके आते हैं। लेकिन जो हम मंत्रों से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ये ऊर्जा जो है ये 90% इससे ही काम होता है, हीलिंग का काम इससे होता है। जो नकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ है वो इससे हटती है। तो इसका प्रयोग जो मैंने इसमें किया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे ही किया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को मैंने पिछली बार भी बताया था, पर मैं इस बार भी थोड़ा सा दोबारा से कर देती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी एक ऐसी है जो इसका कोई काट नहीं है। डिजिटल प्रदूषण जो है ये आज हमारी जीवन शैली का एक आधुनिक जीवन शैली का देन है और इसके बहुत सारे नुकसान हैं। जो हमारा सेलफोन हम यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं आज हम, या जो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं, टीवी है, फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का एक समुद्र टाइप का बना देती हैं और हम इसमें लगातार हमारा इसमें एक्सपोजर होता रहता है। आज हम इसके बिना एक दिन भी अपना जीवन नहीं महसूस कर सकते कि कैसे होता है, पर ये सारे जो उपकरण हैं इन सब से हमारे अंदर मतलब बहुत हानिकारक है। कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिजिकली कई चीजों का प्रभाव आता जाता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं जो यहाँ मैंने दिखाए हैं। ये देखिए हमारा ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ज्यादा इसको जब हम कान में लगा के बात करते हैं सुनते हैं, ये हमारे इजित को मतलब ऑल्टर कर सकता है, हमारी पहचानने की क्षमता को ये काफी इफेक्ट करता है। एक मेलेटोनिन नाम का हार्मोन होता है, उसके सिक्रीशन को भी ये काफी प्रभावित करता है, जिससे फिर रात की नींद आपकी प्रभावित होती है, नींद नहीं आती है लोगों को, हमारे हार्ट रेट में प्रॉब्लम आ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाता है, कभी बीट्स में सोने लगती हैं, ब्लड प्रेशर पे भी प्रभावित ये करता है। इसके साथ साथ जो जनरल सिम्टम्स आते हैं कि आपको थकान महसूस होती है, कान के साइड में बर्निंग महसूस होती है, अगर आप ज्यादा देर तक आप इसको लगा के सुन लें, सिर दर्द भी होता है, नंबनेस एक महसूस होती है कभी कभी, तो इस तरह से आपका कॉन्सेंट्रेशन पुअर हो जाता है, जो स्पर्म्स की बनने की क्षमता है वो भी इफेक्ट हो जाती है। लोग जनरली जो जेंट्स है वो जेब में रखते हैं, तो वो नीचे रखने से पूरे टाइम उसमें जो आते रहते हैं मैसेजेस उससे एक्टिवेटेड रहता है वो, और वो स्पर्म्स की मोर्टेलिटी को, स्पर्म्स के प्रोडक्शन को प्रभावित कर सकता है। तो ये एक स्टडी हुई थी जिसमें 15 मिनट तक मोबाइल का फोन यूज करने के बाद उनकी जो थी कितनी हीट जनरेट हुई उसके हीट मैपिंग की गई थी।
तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के वजह से जो हीट मैपिंग थी उसका कितना असर आया वो यहाँ पे दिखता है। ये आप देखिए, मोबाइल फोन यूज करने के पहले ये कलर्स हैं जो आप देखेंगे कि नीले उसमें और हरे उसमें, ये सब कूल कलर्स हैं, ठंडे हैं, शरीर में ज्यादा गर्मी नहीं है फेस पे। लेकिन 15 मिनट यूज करने के बाद ये देखिए जो कलर्स आ गए हैं, ये सारे हीट वाले कलर्स हैं, येलो, ऑरेंज, रेड, पिंक। तो ये सारी जो पूरा आप देखिए, अगर इसी कान में आप इन्होंने सुना था तो ये पूरी साइट कितनी ज्यादा इफेक्टेड हो गई है। ये सिर्फ 15 मिनट फोन सुनने का असर था। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कम्युनिकेशन वाली, वो इस चीज को मानती नहीं है, क्योंकि तुरंत आज आपने फोन सुना और आज कुछ आपको हो गया, ऐसा नहीं होता। ये इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक एक्सपोजर होता है तभी पड़ता है, पर हीट का इफेक्ट तो तुरंत दिख जाता है। आप 15 मिनट तक अगर आप सुनिए तो आपको खुद भी कान में महसूस होने लगेगा कि कान गर्म हो रहा है, एकदम सुन्न हो रहा है। फिर दूसरी तरफ हम लगा लेते हैं क्योंकि इधर से बर्दाश्त नहीं होता है। तो एक इसी को स्टडी करने के लिए यूएन ने 13 देशों में एक अध्ययन कराया था और उसमें देखा था कि जो लोग लंबे समय तक मोबाइल फोन के संपर्क में आते हैं उनका हमारे शरीर की कोशिकाओं पर क्या असर पड़ता है और जो मोबाइल टावर्स के आसपास रहते हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो 13 देशों में जो ये अध्ययन किया गया था, इसमें पाया गया कि 10 साल से ज्यादा जिन लोगों ने मोबाइल का फोन का इस्तेमाल किया था उनको ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% तक बढ़ गया था। और इसी के स्टडी के बेसिस पे यूएन ने भी और हु ने भी इसकी कैटेगरी पहले 2A थी वो बढ़ा करके 2B कर दी, जिसमें कि उसने लेड और DDT जैसे केमिकल्स को रखा हुआ है। तो आप सोच लीजिए कि कितना घातक ये आज हमारे लिए है। ये एक दूसरी स्टडी थी जिसमें एज के हिसाब से मोबाइल यूज करने का इफेक्ट था और उसको हीट मैपिंग करके देखा था। एक 5 साल के बच्चे को करा देखा था, एक 10 साल के बच्चे के ऊपर और एक ये एडल्ट के ऊपर देखा था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ उताह में स्टडी हुई थी। तो इसमें आप देखेंगे जो 5 साल का बच्चा था उसकी कितना कोमल शरीर होता है, तो उसके सिर में पूरा ऑलमोस्ट 3/4 सिर में हीट आ गई थी और उतनी ही देर में ये जो 10 साल का बच्चा था आधे सिर में आई थी और जो एडल्ट था इनका ये ऑलमोस्ट 1/4 ही एरिया इफेक्टेड हुआ था। तो कहने का मतलब ये कि आज हम लोग छोटे छोटे बच्चों को बिना सोचे समझे हम मोबाइल पकड़ा देते हैं, उनकी आंखें प्रभावित हो जाती हैं, उनके जो सोचने समझने की शक्ति है वो प्रभावित होती है और साथ में जब वो फोन करने लायक हो जाते हैं तो वो फोन भी बहुत सुनते हैं, गाना सुनते हैं फोन के ऊपर या कोई म्यूजिक, तो उससे उनका ये इफेक्ट जो है ये बढ़ता जाता है और इससे उनके अंदर न्यूरल प्रॉब्लम आ जाती है। आजकल के बच्चे गुस्से वाले भी हो जाते हैं, फिर सुनते नहीं है, बात नहीं सुनते हैं। तो ये एक दुष्प्रभाव है जो हमें अवॉइड करना चाहिए बच्चों को मोबाइल देना। तो ये मैंने अपने एक्सपेरिमेंट्स कुछ किए थे, वो मैंने डिस्कस तो लास्ट टाइम भी किए थे, इस बार भी मैं शॉर्ट में डिस्कस बस बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थे इनके ऊपर जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तो क्या रिजल्ट्स मिले। ये विपिन गार्डन एक्सटेंशन में 24 कुंडीय यज्ञ किया था 2018 में। इसमें आप देखेंगे कि यज्ञ से पहले जो रेडिएशन थे वो 16 माइक्रो टेस्ला थे जो कि बहुत हाई हैं। इनका जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो 0.4 होता है, 0.4 के नीचे अगर है तो वो सेफ है, 0.4 के ऊपर है तो वो अनसेफ है। और ये वहां पे 16 थे जबकि हम जहाँ पे यज्ञ था वहां से करीब 100 मीटर की दूरी पे थे एक स्टॉल के पास और उसमें 16 आ रहा था। जब ये आहुतियां पढ़नी शुरू हुई तो ये 11:10 से स्टार्ट हुई, हमने 5-5 सेकंड में उसको रीडिंग्स नोट की और ये 5-5 सेकंड्स में देखिए कितनी तेजी से गिरने लगी। आहुतियां पढ़ने के साथ ही 1 मिनट मतलब एक कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही वो ये 16 से घट के 14 5 मिनट सेकंड पे, फिर 5 सेकंड बाद ये 11 रह गई और 5 सेकंड के बाद 8, फिर ये 5 और फिर ये 2 और फिर ये 0 हो गई।
और फिर ये शून्य बनी रही अंत तक, जब तक यज्ञ चलता रहा, इवन यज्ञ खत्म हो गया तब भी ये फिर वहां पे ये शून्य ही बनी रही। तो ये एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए हमको, तो उस समय मेरा पहला शुरू का एक्सपेरिमेंट था, तो बहुत ही मिरेकुलस रिजल्ट लगा था कि देखते ही देखते वो एकदम वहां पे घट के और शून्य हो गया। इसको ही फिर हमने घर के अंदर कोशिश करी दो तीन जगह करके देखने की। तो गौतम नगर में एक स्टडी हम लोगों ने की, वहां पर ये स्टडी जो थी, एक दिन पहले हमने बैकग्राउंड में 15-15 रीडिंग्स ली सुबह दोपहर और शाम, और उसके बाद अगले दिन हवन किया और उसके बाद सुबह दोपहर शाम रीडिंग्स ली। तो वहां पे उनके यहाँ पहले ही प्रॉब्लम हो रही थी, वो कह रही थी कि नहीं हमारा जीरो नहीं हो रहा, ये कम भी हो रहा पर जीरो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हमने उनसे बोला कि आप 3 आहुतियां पर्यावरण शोधन मंत्र की भी डाल दीजिए, और उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स थे वो उनको बहुत अच्छे मिले। ये उसका ग्राफ है, ये जो डार्क ब्लू है ये एक दिन पहले का बैकग्राउंड है। आप देखेंगे कि सुबह के समय पे बैकग्राउंड ये एक दिन पहले 1.6 था, जो कि हवन करने के बाद तुरंत ही 0.9 हो गया था। दोपहर में ये 1.2 था, वो घट करके हवन वाले दिन 0.3 रह गया था, मतलब ये सेफ स्टैंडर्ड्स में आ गया था। और शाम को वहां पे शायद जो टीवी चलते होंगे अगल बगल घरों में, तो उससे ये रेडिएशन बहुत ज्यादा होता था 3.6। और ये जिसे जब इन्होंने पर्यावरण शुद्धि मंत्र डाला उसके बाद ये 0.2 आ गया था। तो ये एक बहुत ही विलक्षण मतलब ये प्रयोग था। और ये मैं इसलिए यहाँ पे दिखा रही हूँ क्योंकि जो मंत्र की जो ऊर्जा होती है ये एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी वाइब्रेशंस है, ऊर्जा ही है, उस ऊर्जा की जो नकारात्मकता है ये यज्ञ की सकारात्मक ऊर्जा उसको काफी हद तक कम कर देती है। तो ऐसा नहीं कि आप मोबाइल आपके आने बंद हो जाएंगे, आप सुन नहीं पाएंगे, वो आएंगे लेकिन उसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो काफी हद तक इसमें खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार से एक दूसरा विकासपुरी में प्रयोग किया था हम लोगों ने, वहां भी यही प्रॉब्लम थी कि हवन करने के बाद सब तरीके से उन्होंने 24 मंत्रों का किया, 51 मंत्रों का भी गायत्री मंत्र से आहुतियां दी, लेकिन वो जीरो नहीं हो रहा था। उसके बाद जब इन्होंने भी पर्यावरण शुद्धि मंत्र के साथ 3 आहुतियां डाली और आहुतियों के साथ, तो ये 30 मिनट में ये घट करके देखिए एकदम जीरो आ गया है। तो ये प्रभाव हमारे यज्ञ का है। हमने देखा कि जब हम यज्ञ करते हैं तो ये इमीजिएटली 50% तो इमीजिएटली ये रिड्यूस कर देता है, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके 25 मिनट 30 मिनट कहीं पे एक घंटा भी लगता है ये जीरो कर देता है। उसके बाद ये डिपेंड करता है कि वहां पे और बाकी सोर्सेस कितने स्ट्रांग हैं, कितनी जल्दी वो वापस बढ़ता है। तो इसीलिए अगर हम सुबह शाम यज्ञ करते रहेंगे अपने घर में तो उसका बहुत इफेक्ट रहेगा, और रेडिएशंस का जो दुष्प्रभाव है उससे हम काफी हद तक बचे रहेंगे। तो जनरली ये देखा गया है कि जो रेडिएशंस है ये सोर्स जो भी होता है, जैसे मोबाइल है तो सोर्स से इसका जो डिस्टेंस है उसके ऊपर वेरी करता है। सोर्स के पास सबसे ज्यादा होता है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती है इसकी रेंज बढ़ती है तो ये इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऑफिस में मैंने देखा था कि वो जो रेडिएशन थे वो 12 फीट से 15 फीट तक की दूरी पर बहुत ज्यादा थे, और जब मैं अपने घर में आई और मैंने उस डिवाइस से मेजर किया, मेरे घर में चूंकि हम रोज हवन करते हैं वो 5 इंच पे ही वो शून्य हो रहा था, और जिस स्थान पे जिस कमरे में जहां पे हम लोग हवन करते हैं रोज वहां पे ये 3 इंच पे ही ये मतलब सोर्स से 3 इंच की दूरी पे ही ये शून्य हो जा रहे थे। तो ये जो था एक्सपेरिमेंट हमने एक आध जगह और भी किया जहां पे वो लोग रोज हवन करते थे, तो वहां भी मैंने यही पाया कि 3 इंच से 5 इंच की दूरी पे ये शून्य हो जाते हैं हमारे रेडिएशंस। तो ये एक सोल्यूशन इसका ऐसा है कि अगर आप अपने घर में एक किसी भी स्थान पे आप इवन बालकनी में भी हवन करते हैं तो आपके पूरा घर जो है वो रेडिएशन के दुष्प्रभावों से काफी हद तक फ्री होता है। बिसाइड्स की हाँ, और जो पॉजिटिव उसकी चीजें हैं
वो आती हैं। तो ये मंत्रों की जो ऊर्जा है उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रभाव है, क्योंकि हम सेलफोन तो यूज करना छोड़ेंगे नहीं, लैपटॉप यूज करना छोड़ेंगे नहीं, टीवी फ्रिज हम छोड़ेंगे नहीं, इसके बिना तो कैसे हम जिंदगी हमारी संभव नहीं लगती है। तो इसलिए फिर हम दूसरा यही ऑल्टरनेटिव है कि आप अपना एक हवन कुंड छोटा सा रखें, एक चाहे सूक्ष्म यज्ञ कर ले, आप एक सूक्ष्म यज्ञ अगर कमरे के अंदर कर लेते हैं वो पूरे घर में उसकी एनर्जी जो है ना, मंत्रों की जो एनर्जी है ये उसका प्रभाव है, इसमें स्थूल प्रभाव नहीं, इसमें मंत्रों का प्रभाव आता है। इसलिए मैंने इस चीज को यहाँ पे आज आपके सामने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुक्ता सक्सेना जी, आज आपने बहुत स्पष्ट शब्दों में, स्पष्ट कहना चाहिए अपने तर्क के साथ चीजों को बताया। ये सत्य है कि साउंड में, शब्दों में बहुत शक्ति होती है, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की हो सकती है। मेरी मानना तो ये है कि मंत्र जो है वो पॉजिटिव एनर्जी प्रदान करने के लिए उनको एक डिसिप्लिन में बांध के जब शब्दों को रखा जाता है वही मंत्र है। जब हम किसी भी डिसिप्लिन में, ऐसे डिसिप्लिन में बांध के रखें जिससे उनकी पॉजिटिव एनर्जी आगे तक पहुंचे, वही मंत्र हैं। और वो मंत्र आशीर्वाद के रूप में भी हो सकते हैं, और जो हमारे संस्कृति में बनाए गए वो भी हैं। जो आपने यज्ञ की बात की है, हमें तो लगता है कि हम लोग जो सुबह उठकर पूजा करते समय दीपक जलाते हैं और धूप बत्ती जलाते हैं, शायद वो भी एक सूक्ष्म स्वरूप है यज्ञ का ही, जो हम लोग सुबह उठते ही पूजा के टाइम करते हैं। जो कम से कम इतना कर ले और कम से कम दिन भर में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करता रहे, तो वो भी उसके मुंह से मंत्र ही निकलेंगे। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, ब्लेसिंग्स देते चलें, ईश्वर के प्रति बहुत ग्रेटफुल रहें, कृतज्ञ रहें, इससे बढ़ के मंत्र जीवन जो एक सामान्य आदमी के लिए। और जब यज्ञ करते हैं और जिनको मंत्रों का उच्चारण नहीं आ रहा, जो पीछे बैठे हुए हैं यज्ञ में, अगर वो सिर्फ सकारात्मक सोचें और सकारात्मक बातें कह रहे हैं और सकारात्मक चीजों को अपनाते चलें, तो मुझे लगता है मंत्रों की शक्ति अपने आप ही बहुत बढ़ती जाएगी, बहुत विलक्षण है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का ये सेशन बहुत उपयोगी रहा है और इसके एक एक शब्द कंठस्थ करने योग्य हैं, और हम लोग यूट्यूब पे इसको बार बार सुन के इसका अनुसरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुमता जी। धन्यवाद आदरणीय नैब साहब, धन्यवाद आदरणीय मुमता सिन्हा जी। आज हम आदरणीय नैब साहब से और मुमता सिन्हा साहब से थोड़ा सा टाइम चाहेंगे। वैसे तो हम एक विचार के साथ समाप्त करते हैं, परंतु मुमता सिन्हा जी क्योंकि गुरुदेव के विचार से जुड़ी हुई किताबों से, तो गुरुदेव की एक पत्रिका है अखंड ज्योति, जो कि पिछले 86 वर्ष से लगातार प्रिंट हो रही है। तो आज का जो विचार है वो अखंड ज्योति पत्रिका का फरवरी 2022 फ्रंट पृष्ठ संख्या नंबर 30 का विचार है, जिसमें कि गुरुदेव ने संयुक्त परिवार की उपदेयता के विषय में कहा है। और क्योंकि मैं स्वयं संयुक्त परिवार में रहता हूँ, मेरे साथ मेरी माता जी रहती हैं, मेरे भाई रहते हैं, मेरा बेटा रहता है और मेरी पोती रहती है, यानी कि 4 जनरेशन रहती हैं। तो उसी से एक लेते हुए हम विचार है गुरुदेव का, जो विचार है उसमें विचार है, गुरुदेव कह रहे हैं कि जो अखंड ज्योति में है कि एकल परिवार खतरनाक होता जा रहा है, एकल परिवार खतरनाक होता जा रहा है। जेठ जेठानी देवर देवरानी भोजी भैया जैसे संबंधों में भी कमी आ रही है। हम संबंधों की अपेक्षा करने लगे हैं, धीरे धीरे हम अकेले रह जाते हैं। जीवन में अकेले रहने का एकाकीपन मन पर पत्थर से ज्यादा भारी होने लगता है। ऐसे में दर्द भी नहीं बढ़ता और लोग सुख का आनंद भी नहीं ले पाते। आंगन का एक होना पूरे परिवार के मन को एक कर देता है। बच्चे के सिर पर दादी के हाथों से सोने से पहले थाप और छोटी छोटी पुरानी कहानियां बिना किसी पाठ्यक्रम के ज्ञान से सरोवर कर देती हैं। तभी संबंधों का बचपन में शरीर से स्पर्श एहसास कराता है कि हम सभी के हैं। आइए एक छोटी सी कथा कहानी जो उसी अखंड ज्योति में है, कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटी सी कहानी है। एक ने एक के जन्म पर पूछा कि बताओ मनुष्य के जन्म और जानवर के जन्म में क्या अंतर है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय कहा गया, मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह किसी का बेटा बेटी
भाई अथवा बहन होता है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो वह किसी का बेटा, बेटी, भाई अथवा बहन होता है अथवा किसी का चाचा होता है। परंतु जानवर किसी का कुछ नहीं होता। मनुष्य में मन और भाव होता है और ये रिश्ते को जन्म देता है। मनुष्य में मन और भाव होता है और ये रिश्ते को जन्म देता है। जानवर किसी रिश्ते को जन्म नहीं देता। जानवर किसी रिश्ते को जन्म नहीं देता, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। ये अखंड ज्योति पत्रिका के फरवरी 2022 के प्रश्न संख्या 30 पे। आइए हम अपना 3 बार ओम का उच्चारण करके अपनी वाणी को विराम दें। आप सब लोग अनम्यूट कर लीजिएगा ताकि हमारी आवाज ब्रह्मांड तक पहुंचे। शांति शांति।